संगीता बिजलानी एक भारतीय अभिनेत्री और मॉडल भी है। संगीता बिजलानी बायोग्राफी में संगीता बिजलानी का जन्म 9 जुलाई 1960 में हुआ था। संगीता बिजलानी 1980 में मिस इंडिया रह चुकी हैं और संगीता मिस यूनिवर्स में राष्ट्रीय पोशाक विजेता भी रह चुकी हैं। संगीता को बचपन से ही मॉडलिंग का शौक था। मॉडलिंग करते करते संगीता ने फिल्मों में अपना करियर शुरू किया। संगीता बिजलानी अपने प्रेम प्रकरण की वजह से काफी चर्चा में रह चुकी हैं। संगीता बिजलानी ने कातिल फिल्म से 1988 में बॉलीवुड में कदम रखा था। संगीता बिजलानी ने अपनी खूबसूरती और अच्छी एक्टिंग की वजह से काफी फिल्मों में काम किया। संगीता बिजलानी अपने और सलमान खान के रिश्ते को लेकर भी काफी चर्चा में रह चुकी हैं। कहा जाता है कि सलमान और संगीता के प्यार के चर्चे खूब चले। उन दोनों की बात शादी तक पहुंच गई थी। सलमान खान और संगीता बिजलानी 1986 में एक दूसरे को डेट कर रहे थे। कहा जाता है कि दोनों के शादी के कार्ड भी छप चुके थे। करीब 10 साल तक उनका रिश्ता चला और बात शादी तक पहुंची, पर आखिर में संगीता बिजलानी ने सलमान खान से अपना रिश्ता तोड़ लिया। सलमान खान और संगीता बिजलानी का रिश्ता टूटने का कारण ये सामने आया था कि सलमान खान किसी और अभिनेत्री सोमी अली के साथ बढ़ती नजदीकियां थी, जिसकी वजह से संगीता बिजलानी और सलमान खान का रिश्ता टूटा था। संगीता बिजलानी और सलमान के रिश्ते होने के बाद सलमान ने करण जौहर के शो कॉफी विद करण में स्वीकारी थी। इसके अलावा सलमान खान पर एक किताब लिखी गई जिसका नाम बीइंग सलमान है। किताब में सलमान और संगीता की शादी 27 मई 1994 में होने वाली बात का जिक्र किया गया है। संगीता ने भी एक इंटरव्यू में अपनी और सलमान की शादी की बात को स्वीकारा था। सलमान से रिश्ता टूटने के बावजूद सलमान और संगीता आज भी एक अच्छे मित्र हैं। कुछ समय पहले ही संगीता बिजलानी सलमान खान के घर उनकी एक पार्टी में दिखी थी और सलमान और संगीता बिजलानी गले लगते हुए भी दिखाई दिए थे। संगीता बिजलानी आज 62 साल की हो चुकी हैं, पर उनकी फिटनेस देखकर उनकी उम्र का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। वो आज भी इतनी फिट दिखती हैं। संगीता बिजलानी अपनी फिटनेस का बहुत ही ख्याल रखती हैं। संगीता अपने फिट रहने का कारण योगा को बताती हैं। उन्होंने योग अपने पिताजी से सीखा है। संगीता बिजलानी ने अपने एक इंटरव्यू में बताया था कि वो योग के अलावा मेडिटेशन भी करती हैं, जिससे उनकी उम्र बढ़ने की प्रक्रिया धीमी हो जाती है और वो अपने योग को कभी मिस नहीं करती। संगीता बिजलानी के हस्बैंड का नाम क्रिकेटर अजरुद्दीन है। संगीता बिजलानी और मोहम्मद अजरुद्दीन की मुलाकात 90 के दशक में शूटिंग के समय हुई थी। मोहम्मद अजरुद्दीन उस वक्त शादीशुदा थे। उनकी पत्नी का नाम नौरीन था। उस वक्त नौरीन और अजरुद्दीन के दो बच्चे भी थे। अजरुद्दीन और संगीता ने काफी साल तक एक दूसरे को डेट किया और बाद में हस्बैंड ऑफ संगीता बिजलानी अजरुद्दीन और नौरीन का तलाक हो गया। तलाक के बाद नौरीन ने कनाडा बेस्ड बिजनेसमैन से शादी कर ली और संगीता बिजलानी और अजरुद्दीन 1996 में शादी के बंधन में बंध गए। संगीता बिजलानी और अजरुद्दीन की कोई भी संतान नहीं है, लेकिन मोहम्मद अजरुद्दीन और उनकी पूर्व पत्नी नौरीन के दो बेटे हैं, असद और अयाज। उनके छोटे बेटे अयाज को बाइक रेसिंग का बहुत शौक था। 2011 में हैदराबाद एक्सप्रेस पर रोड एक्सीडेंट में अयाज की मौत हो गई और उनका बड़ा बेटा असद क्रिकेट में अपना करियर बना रहा है। संगीता बिजलानी की कोई भी संतान नहीं है। संगीता बिजलानी और मोहम्मद अजरुद्दीन का रिश्ता आखिरकार 14 साल तक चला और आखिर में 2010 में दोनों के रिश्ते ने दम तोड़ दिया और दोनों ने तलाक ले लिया। तो दोस्तों, अभी के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।